हे रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। सो आज मैं गई थी जोडियो और मैंने जोडियो से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं अपने लिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, मतलब अनबॉक्स किया जाए। तो मैं अभी आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या परचेज करके लाया है वहाँ से, और कुछ शॉर्ट वीडियो भी मेरे आएंगे जहाँ पे जोडियो में क्या क्या मिलता है जो मैंने ख़रीदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या रिजनेबल रेट में है, क्या है वो चीज़ें आपको पता चले कितने प्राइस में क्या मिल रहा है, तो वो मैंने बताया है, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने परचेज किया है ना उसके बारे में बात करते हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है नेल पेंट्स। लिटरली नेल पेंट्स मुझे इतनी अच्छी लगी जोडियो की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसकी जो क्वालिटी एंड टेक्सचर है ना बहुत, तो ये है रेड वन, ये है 79 रुपीज़ की। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है जोडियो की ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डीमार्ट वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पे भी ना, तो ट्रायल सेम नेल पेंट ही हम ट्रायल करते हैं। यहाँ पे ट्राई मी के लिए अलग से एक सेक्शन था, मतलब आगे ही छोटा सा बॉक्स होता है उसके अंदर, आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख पाओगे, तो वहाँ पे ट्राई करने के लिए नेल पेंट्स रखी होती है। लेकिन कितने लोग इतने जाहिल होते हैं ना, लिटरली मैं कह रही हूँ, वो क्या करेंगे, वो सामने लिखा हुआ है, सामने ही रखा हुआ है, लेकिन उससे ट्राई नहीं करेंगे, नया वाला पैक लेके ही ट्राई करते हैं। इस बार मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा, लास्ट टाइम मैंने देखा था लिटरली एक दो बंदी ऐसी थी ना, क्या आई, दिवाली थी दूसरे दिन, तो नेल पेंट लगा के कि कल मैं कौन सा कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ, जल्दी जल्दी उसने नेल पेंट लगाया और निकल गई वहाँ से, सिर्फ नेल पेंट लगाने के लिए वो जोडियो में आई थी। ऐसे भी लोग करते हैं, पर यहाँ पे अगर जैसे हमने परचेस किया है तो हमें लॉस होगा ना यार, नेल पेंट अगर खाली हो जाएगी तो मैंने क्या किया, सबसे पीछे वाला पैक उठाया, तो ये था, रेड कलर लिया है, ब्राउन कलर लिया हुआ है, देन मैंने लिया है वाइन काइंड ऑफ कलर, ये नहीं ब्लैक लिया हुआ है और ये वाइन काइंड ऑफ कलर है। अभी मैं इसलिए लगा के नहीं दिखा रही हूँ, मैंने वहाँ पर भी ट्राई किया था ये ब्लैक वन एंड वाइन वन, पर ये वाइन काइंड ऑफ ब्लैक ही लगता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये नेल पेंट, थोड़ा मरून एंड वाइन कलर मिक्स लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मैं जो एग्जैक्ट शेड ढूंढ रही थी ना वो नहीं मिला मुझे, तो मैंने फाइनली यही ले लिया क्योंकि मुझे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, तो ये चार नेल पेंट्स लिए। तो एक नेल पेंट का प्राइस है 79 रुपीज़ और ये मुझे वर्थ लगा क्योंकि जो इसकी क्वालिटी और है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यूजुअली ना मैंने 60 रुपीज़ 100 रुपीज़ की भी माय ग्लैम की भी मैंने नेल पेंट ट्राई की हुई है, तो जब भी आप बर्तन वगैरह वॉश करो ना तो वो निकल जाती है, लेकिन ये ना नहीं निकलती है, देखिए मैंने ना 3-4 दिन से लगाई हुई है तो ये नहीं निकलती है क्योंकि मैंने इससे पहले भी लिया था। और ये मैंने लिया हुआ है ना, ये कॉटन पैड्स है और ये मेकअप रिमूव करने में काम आता है, तो ये है 79 रुपीज़ का है, 100, इसमें 100 कॉटन पैड्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्थ लगा मुझे। फिर मैंने लिया हुआ है ब्लेंडर, ये है 79 रुपीज़ का। अब ये कितना वर्थ है तो ये तो यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैंने लिया है मेकअप रिमूवर वाइप्स और ये मुझे मिला है 29 रुपीज़ का, लिखा हुआ है बैक साइड में 10 वाइप्स है। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेकअप रिमूवल के लिए ये था, और प्लस अगर सिर्फ आपको आईज़ का मेकअप रिमूव करना है उसके लिए अलग वाइप्स था, वो भी कुछ 30 रुपीज़ का ही था, मतलब 29 रुपीज़ का ही था। प्लस लिप्स के लिए, लिप रिमूव करने के लिए, मतलब हम लोग लिप कलर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए अलग वाइप्स था, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, अलग अलग था, पर मैंने फुल फेस मेकअप रिमूवर का लिया है वाइप्स, तो लेट्स सी कितना अच्छा वर्क करता है। इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी अगर मोड़ किया तो, या फिर आपको कोई वीडियो में बता दूँगी वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये 29 रुपीज़ के 10 वाइप्स थे, ये वर्थ लगा मुझे। और सबसे क्यूट चीज़ जो मैंने ली है लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो ये है, ये रबर बैंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, स्क्रंचीज़ है और उसके आगे ऐसे रिबिन्स लगी हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। मैंने अभी इसको, ये दोनों 79 का है, तो ये भी मुझे वर्थ ही लगा, इसके कलर्स मुझे अच्छे लगे। और मैं रेड कलर और दूसरे कलर्स ढूंढ रही थी वाइट कलर, पर वो मुझे मिले नहीं, मुझे यही कलर मिले तो मुझे यही लेना पड़ा, तो क्योंकि और दूसरा एक कलर था वो मुझे इतना खास नहीं लगा, तो ये बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट सा है, तो इसका मैं एक ट्रायल दूंगी आपको अपने हेयर पे या मेरी डॉटर के हेयर पे क्या कैसे लग रहा है, मतलब लगाने पे बहुत ही प्यारा लगेगा आई नो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है बहुत ही क्यूट लगता है,
तो बस दैट्स इट, इतना ही लिया मैंने. और मेरे हस्बैंड ने जीन्स एंड ऑल ली हुई है, तो वो आपको क्या ही दिखाऊँ. तो मैंने तो सिर्फ नेल पेंट लिए, 4 नेल पेंट, एक ब्लेंडर प्लस 10 रिमूवल मेकअप रिमूवल वाइप्स एंड कॉटन पैड्स एंड दैट्स इट, रबर बैंड्स, दैट्स इट. तो आई होप ये जोडियो का जो परचेस किया है मैंने आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़.